इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। यमला पगला दीवाना। क्यों बन रही है ज्यादा बॉक्सिंग वाली फिल्में? कौन है इंडिया के बेस्ट बॉक्सर्स? क्या है अपने टू का सोशल मैसेज? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड में चल रहे बॉक्सिंग ट्रेंड के बारे में, और साथ ही हम आपको बताएंगे इंडिया के बेस्ट बॉक्सर्स के बारे में, और ये भी बताएंगे कि किस सोशल मैसेज के साथ बनेंगी अपने टू फिल्म। बॉलीवुड में आजकल स्पोर्ट्स फिल्में काफ़ी ट्रेंडी है, और उसमें भी बॉक्सिंग या हैवी वेट चैम्पियनशिप वाली फिल्में ज़्यादा बनती है, जैसे कि मैं इंतकाम लूंगा, बॉक्सर अपने, मैरी कॉम, सुल्तान, दंगल, तूफान और साउथ सुपरस्टार विजय भी तो अब स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म से ही हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। बॉक्सिंग फिल्मों के लिए बॉलीवुड में एक स्पेशल जगह है, और अब ऐसे ही बॉक्सिंग फिल्म अपने का सीक्वल अपने टू बनने जा रहा है। बॉक्सिंग की बात करें तो हमारे भारत के कई ऐसे बॉक्सर्स हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया का नाम रोशन किया है, जो हमारे इंडिया की शान है, और उनमें से सबसे पहले विजेंद्र सिंह, जिन्होंने 2008 की बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया था, और उसके बाद वो इंडिया के बॉक्सिंग हीरो बन गए। उनकी इस शानदार जीत के बाद इंडिया की मैरी कॉम ने 2012 में लंदन ओलंपिक्स की वुमेन्स 51 kg कॉम्पिटिशन में इंडिया के नाम ब्रॉन्ज मेडल किया था, और सभी लड़कियों के लिए वो एक इंस्पिरेशन भी बनी थी, और उनकी कहानी हम सब ने मैरी कॉम फिल्म के जरिए तो देखी ही है। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत हार्ड वर्क और स्ट्रगल किया था, और ये सब हम इस फिल्म में देख सकते हैं। 2012 के बाद इंडिया को बॉक्सिंग में कोई मेडल हासिल नहीं हुआ, लेकिन 2 साल पहले हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहाई ने अपना डेब्यू किया, और डेब्यू के साथ ही वुमेन 61 kg कॉम्पिटिशन में इंडिया के नाम ब्रॉन्ज मेडल किया और इंडिया का नाम रोशन कर दिया। इन तीनों ओलंपिक विनर्स के अलावा भी अखिल कुमार, जितेंद्र सिंह, टिंकू सिंह जैसे इंडियन बॉक्सर्स ने ओलंपिक में हिस्सा लिया था। हालांकि उनकी जीत नहीं हुई, लेकिन इतने बड़े मुकाम तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अपने फिल्म में हमने एक बॉक्सर की कहानी देखी थी कि कैसे एक बीफेम बॉक्सर के रिस्पेक्ट को वापस लाने के लिए उसके बेटों ने उसका साथ दिया, और अब करण देओल की एंट्री के साथ इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जाने वाला है। जी हाँ, अपने फिल्म से हमें रिश्तों की क्या अहमियत होती है और हमारे लिए फैमिली इम्पोर्टेंट क्यों होती है, उसका एक सोशल मैसेज दिया गया था। और अब अपने टू में भी एक ऐसी कहानी दिखाई जाएगी जो आज की जनरेशन को फैमिली क्या होती है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, और हमारी हमारे पेरेंट्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इस बारे में बताया जाएगा। और अब ये फिल्म एक इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल फिल्म होगी जो हमें अपनों की अहमियत बताएगी। वैसे आपका फेवरेट बॉक्सर कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे लगता है आज के लिए इतनी फिल्मी अपडेट काफ़ी होगी। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे लेटेस्ट फिल्मी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को।